अब करेंगे हम कपालभाति। कपाल मतलब मस्तिष्क, कपाल का शुद्धिकरण। कफ प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए ये काफी लाभदायक है। इसमें श्वास सिर्फ बाहर छोड़नी होती है, आपका ध्यान सिर्फ श्वास के बाहर छोड़ने पर और पेट अंदर जाता है हर स्ट्रोक के अंदर। हार्ट पेशेंट्स, जैसे कि मैं कहूंगी हार्ट पेशेंट्स, बीपी पेशेंट्स, हर्निया पेशेंट्स, या अभी पिछले 2, 3, 4, 6 महीने तक लोगों ने किन्हीं ने अगर कोई पेट संबंधी कोई चिकित्सा लाइक शल्य चिकित्सा कराई है, कोई सर्जरी कराई है, जिन्हें अल्सर की तकलीफ है, वो कपालभाति का अभ्यास नहीं करेंगे। बेनिफिट से पहले मुझे आपको ये बताना जरूरी है कि किन्हें इनका अभ्यास नहीं करना है। टेक्निक देखेंगे, सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ना है, वो भरेगा अपने आप। सिर्फ मैंने धक्के से श्वास को बाहर छोड़ा है और पेट अपने आप अंदर जाएगा। आप 1 मिनट में 45 राउंड, 50 राउंड, 70 राउंड, 90 राउंड, 100 राउंड तक कर सकते हैं, पर ध्यान ये रखना है कि जिस स्पीड से आप शुरू करते हैं वही स्पीड आपको एंड तक मेंटेन रखनी है। और ध्यान रखिए, इसमें अगर किसी तरह के चक्कर आते हैं तो आप बीच में रिलैक्स कर सकते हैं, किसी भी तरह का अनइजीनेस होता है तो आप रिलैक्स कर सकते हैं, पीठ में धक्का लगता है तो कुशन रख के इसका अभ्यास कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से इसका अभ्यास करिए। इसके कम से कम 5 या 7 राउंड आप कर सकते हैं, ये काफी आपके